कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं आपसे TWRP रिकवरी से रिलेटेड कुछ यूज़फुल बातें बताने वाला हूँ, जो बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। फ्यूचर में कभी भी आप कस्टम रोम्स या मोड्स फ्लैश करोगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स। फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होगा, पर ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो इसके बारे में नहीं जानते। गाइस, ये है मेन इंटरफेस, इंस्टॉल, वाइप, बैकअप, रीस्टोर, माउंट, सेटिंग्स, एडवांस्ड एंड रिबूट। इंस्टॉल पे टैप करके जिप फाइल या इमेज फाइल .img फाइल आप फ्लैश कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जिप रहता है। अगर आपको इमेज फाइल या .img फाइल अगर फ्लैश करना है तो नीचे जो बटन है राइट साइड में इंस्टॉल इमेज, उस पर टैप करके आप इमेज फाइल फ्लैश कर सकते हैं। गाइज, आप अलग अलग स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं फ्लैश करते टाइम, USB, OTG या फिर SD कार्ड। उसे सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट स्टोरेज बटन पर टैप करना पड़ेगा। गाइज, अब वाइप पे चलते हैं। यहाँ आपको मिलेगा डेटा फॉर्मेट, फैक्ट्री रीसेट, और बेस्ट प्रैक्टिस है जब भी आप नया OS, नया कस्टम रोम फ्लैश करें तो सबसे पहले एडवांस्ड वाइप पे टैप करके डेल्विक कैश डेटा एंड सिस्टम फाइल वाइप कर लीजिए। ये पार्टीशन आप वाइप ज़रूर कीजिए, उसके बाद नया OS, नया रोम जो है आप फ्लैश कीजिए। गाइज, कई बार हम रोम जो है वो अपडेट करते हैं, यानी नया रोम नहीं, उसी रोम का अपडेट जो है हम फ्लैश करते हैं, तो उस वक्त एक लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, डर्टी फ्लैश। डर्टी फ्लैश का मतलब है आपको क्लीन फ्लैश यानी सिस्टम एंड डेटा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट डेल्विक एंड कैश आपको ये पार्टीशन जो है वो डिलीट करना है। बट मैं आपसे ये कहूँगा कि कभी भी आप अपडेट करें अपने रोम को तो जहाँ से आपने अपडेट किया है उस रोम के पेज पे जाकर आप डिटेल जो है प्रोसेस वो जान ले, उसके बाद आप डर्टी फ्लैश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि रोम अपडेट करते वक्त भी आपको क्लीन फ्लैश करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बैकअप, कई यहाँ आप कंप्लीट रोम का बैकअप ले सकते हैं। नए रोम फ्लैश करने के पहले आप अपना बैकअप ज़रूर ले लीजिए, ताकि अगर एनीथिंग गोज़ रॉन्ग तो आप वापस अपना पुराना रोम जो है वो रीस्टोर कर सकते हैं। गाइज, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है बूट डेटा सिस्टम एंड EFS फोल्डर। गाइज, ये EFS जो है आप ज़रूर बैकअप ले लीजिए, चाहे आप पूरे रोम का बैकअप ना भी लें तब भी आप EFS का ज़रूर बैकअप ले लीजिए, क्योंकि IMEI नंबर अगर करप्ट हो जाता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा उस वक्त आपको अपना IMEI नंबर जो है रीस्टोर करने में। अगर आपको अपना पुराना रोम जो है वो रीस्टोर करना है तो रीस्टोर बटन पर टैप कीजिए और वो फाइल जो आपने पहले बैकअप ले लिया है उसे रीस्टोर कर लीजिए, सिंपल। गाइज, TWRP रिकवरी मोड से आप फाइल्स PC एंड मोबाइल के बीच में ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको जाना है माउंट में और इनेबल MTP कर देना है। अगर सिस्टम से कोई फाइल आपको डिलीट करना हो, अगर आप अपने पासवर्ड या स्क्रीन लॉक पैटर्न आप भूल चुके हैं और आपको वो फाइल जो है वो डिलीट करना है, वो सेटिंग्स डिलीट करना है, तो गाइस चलिए अब हम अपने लॉक स्क्रीन सेटिंग्स जो है पासवर्ड पैटर्न वगैरह का डिटेल जो है वो डिलीट करेंगे। इसके लिए हमें जाना कहाँ है, फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर हमें मिलेगा एडवांस्ड, टैप कीजिए। गाइज, यहाँ आपको एक और यूज़फुल फीचर ADB साइड लोड दिख रहा होगा। आप अपने डेस्कटॉप से वाया कमांड zip फाइल्स पुश या इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में।
फ्रेंड्स, पार्ट टू वीडियो में हम कुछ और यूज़फुल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, बट चलते चलते आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ जो मुझे लगा कि इस वीडियो में ऐड कर देना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप TWRP रिकवरी मोड में अपने डिवाइस को बूट करें और स्क्रीन पे आपको दिखेगा एंटर पासवर्ड टू डिक्रिप्ट योर डिवाइस, और आपने कोई पासवर्ड सेट भी नहीं किया है। आप यहाँ पे TWRP का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डिफ़ॉल्ट अगर आप टाइप करते हैं वो भी इनकरेक्ट बताता है, तो अब आप क्या करोगे? आप अगर बैक बटन प्रेस करते हो तो वहाँ जाने के बाद आप इंस्टॉल बटन पे जाते हो, वहाँ भी आपको जो स्टोरेज जो है वो 0 MB दिखाएगा, यानी आपके फ़ोन में कोई फाइल्स आपको नहीं दिखाएंगे जब तक आप अपने डिवाइस को डिक्रिप्ट नहीं करते हो। तो उस सिचुएशन में आपका क्या करोगे गाइज? आपको सीधे जाना है वाइप पे, बट उससे पहले आप अपने फ़ोन को, मैं ये कहूँगा अगर आपका फ़ोन ओके कंडीशन में है तो आप अपने फ़ोन को बूट करो, सारे फाइल्स को जो है उसका बैकअप ले लो, उसके बाद वापस से फ़ोन को रिकवरी मोड में बूट करो, वाइप में जाओ और पहले फॉर्मेट डेटा करो, यानी पूरे डेटा जो है आपके फॉर्मेट हो जाएंगे। अब आप जब बैक बटन प्रेस करोगे तो इंस्टॉल पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि आपका स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो दिखाएगा। अब आप वापस से वो फाइल जो आपको फ्लैश करना है वो अपने फ़ोन में डाल लो और वो फाइल फ्लैश कर लो। गैस, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे TWRP रिकवरी से रिलेटेड। प्लीज़ कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके सवाल से मुझे सीखने को मिलता है, एंड गाइज मुझे सीखना पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स।